हसन नकवी को 3 साल के लिए पाकिस्तान का नया चेयरमैन ऑफ पीसीबी मुकर्रर कर दिया है। चेयरमैन पीसीबी बनते ही मोहसन नकवी के धमाके खेज इंटरव्यू ने बाबर और बाबर के फैंस को बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। मोहसन नकवी ने बाबर के हवाले से बहुत बड़ा बयान दे दिया है कि वर्ल्ड कप में कौन सा पाकिस्तान का कप्तान होगा और कौन से कोचेस से पाकिस्तान की कोचिंग करवाई जाएगी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में। पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन पीसीबी जका अशरफ ने 20 फरवरी को अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के नए चेयरमैन ऑफ पीसीबी बनने के लिए कई लोग इस दौड़ में शामिल थे, जिनमें राशिद लतीफ, मोहसन नकवी और साबिक चेयरमैन ऑफ पीसीबी नजम सेठी का नाम सरे फहरिस्त था। लेकिन आज फाइनली डिसाइड हो गया है कि मोहसन नकवी को नया चेयरमैन पीसीबी 3 साल के लिए बना दिया गया है। लाहौर की नेशनल हाई अकेडमी में एक मीटिंग हुई जिसको लीड किया शाह खावर ने, उसमें वहाब रियाज भी मौजूद थे, पाकिस्तान के वजीर खेल और मोहसन नकवी भी उस मीटिंग में शामिल थे। मीटिंग आधा घंटा जारी रही और यह जब मीटिंग खत्म हुई तो शाह खावर ने बकायदा अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान के जो नए चेयरमैन पीसीबी होंगे उनका नाम है मोहसन नकवी। तो मोहसन नकवी को 3 साल के लिए नया चेयरमैन ऑफ पीसीबी मुकर्रर कर दिया गया है। मोहसन नकवी ने आते ही धमाके खेज बयान दे दिया है और कह दिया है कि बाबर आजम ही आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी करेंगे और बाबर आजम को वापस एक बार फिर पाकिस्तान की टीम का कप्तान मुकर्रर किया जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि बाबर ही T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी करते हुए आपको नजर आएगा और जो लोकल कोचेस होंगे उनकी छुट्टी करा दी जाएगी और नए इंटरनेशनल हाई परफॉर्मेंस कोचेस को जो है पाकिस्तान की टीम की कोचिंग के लिए बुलाया जाएगा और कोचिंग करवाई जाएगी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में। तो बाबर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई नहीं जिल्लत दे सकता। अल्लाह ने बाबर की किस्मत में इज्जत ही इज्जत लिखी है, इसी वजह से एक बार फिर उन्हें टीम का जो है नया कप्तान मुकर्रर किया जाएगा। साबिक कप्तान बाबर आजम की एक बार फिर कप्तानी में वापसी होगी और अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप 2024 में किंग बाबर आजम एक बार फिर पाकिस्तान की टीम को लीड करता हुआ आपको नजर आएगा और इस बार इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम को ट्रॉफी भी जिताएगा। इंशाल्लाह 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 अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बान।